interesting because you proposed that the UK should actually give up its place on the UN Security Council for India. तो जो फॉर्मर चीफ रह चुके हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, इन्होंने ये बात बोली है कि इंडिया की परमानेंट सीट बिल्कुल होनी चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार मत करो। आप सीधा सीधा एक काम करिए, यूके को, यूनाइटेड किंगडम को कहिए आप पीछे हो जाइए, आपकी इकोनॉमी गिर रही है, आप जियो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट अब रहे नहीं है, कुछ आपका इम्पैक्ट दुनिया में है नहीं। तो जो खबर इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रही है वो ये है कि उनका कहना है कि यूके को अपनी परमानेंट सीट वीटो का राइट इंडिया को दे देना चाहिए, क्योंकि इंडिया का ये हक बनता है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। Must have the great powers of today, not the great powers of yesterday. Unfortunately, they didn't create a mechanism for changing the seats. HCO में रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो पहुंचे, और आप देखिए कि यूक्रेन उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि रशिया यूक्रेन के मामले में वो कुछ जो है बीच में मध्यस्थता कराने की कोशिश करे। इस तरीके के जो जितने भी इश्यूज चलते हैं वहां पर इंडिया को इनवाइट किया जाता है, तो क्योंकि हम इतना पावर एक्सर्ट करते हैं इसलिए आपने ये डिबेट सुनी होगी कि इंडिया को कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप देनी चाहिए। ये सवाल किया जाए कि पाकिस्तान क्यों नहीं, पाकिस्तान को भी वीटो मेंबर बनाया जाए। तो देखें, पहली बात तो ये कि वीटो मेंबर बनने के लिए दुनिया की बड़ी पावर बनना पड़ता है। Today is there's absolutely no question that India is the third most powerful country in the world after United States and China. Yeah, fifth largest economy तो है, लेकिन इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है, ये बात कही गई है। ये नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यूनाइटेड किंगडम को अपनी सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट छोड़ देनी चाहिए और इसे भारत को दे देना चाहिए, ये खबर पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। और ये बात किसी छोटे आदमी ने नहीं कहा है, बल्कि एक्स यूएनएससी चीफ ने ये बात बोली है। सिंगापुर के पूर्व राजनयिक ने कहा है कि आज भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली देश है। वही ब्रिटेन अब महान देश नहीं है, ना ही उसकी इकोनॉमी सही है और ना ही वो अपने वीटो को यूज करता है। ऐसे में ब्रिटेन को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अपना परमानेंट सीट छोड़ देना चाहिए। सिंगापुर के पूर्व राजनयिक किशोर महबानी ने संयुक्त राष्ट्र में जरूरी सुधारों पर बात की और कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज भारत संयुक्त राज्य में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है। वही ब्रिटेन अब महान देश नहीं रहा है, ऐसे में ब्रिटेन को सुरक्षा परिषद की अपनी स्थायी सीट को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने दशकों से अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया है, ब्रिटेन को डर है कि उसे वीटो पावर इस्तेमाल करने के लिए विरोध झेलना पड़े। ऐसे में ब्रिटेन के लिए तार्किक बात यह है कि वह अपनी सीट भारत को दे दे। जो खबर इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रही है वो ये है कि उनका कहना है कि यूके को अपनी परमानेंट सीट वीटो का राइट इंडिया को दे देना चाहिए, क्योंकि इंडिया का ये हक बनता है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। ये बात किसने कही है, वो है किशोर महबूबनी। अब किशोर महबूबनी को जब आप देखते हैं तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो रह चुके हैं यूनाइटेड नेशंस में बिटवीन 1984 एंड 1989। फिर इसके अलावा वो 1984 से 1998 से 2004 तक भी रहे, और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल वो बिटवीन 2001 एंड 2002 रहे। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का अगर एक्स प्रेसिडेंट आपको ये कहता है दुनिया के सामने कि इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा हकदार है सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट का, और यहाँ तक कि यूके को ये चाहिए कि वो अपनी सीट ऑफर कर दे इंडिया को, तो ये एक बड़ी खबर है। अगर वो सिर्फ डिप्लोमेट होते, देखिए ना, जैसे कहा जा रहा है कि सिंगापुरियन डिप्लोमेट, क्योंकि हैं वो सिंगापुर के, और सिर्फ सिंगापुरियन डिप्लोमेट ही नहीं है, अगर मैं आपको कुछ और उनकी हिस्ट्री बताऊं, क्योंकि अगर ये बात कही जाए या कही जा रही है कि देखें वो बीइंग अ हिंदू, वो ये बात कर रहे हैं कि एक हिंदू होने के नाते उन्होंने इंडिया को प्रेफर किया है या इंडिया को सपोर्ट किया है, और साथ में एक और चीज़ भी, और वो ये है कि वो सिंधी भी हैं। एग्जैक्टली, जब पार्टीशन हुई थी तो उनकी फैमिली सिंध से थी, और सिंधी डिस्प्लेस्ड फैमिली जो है वो कही जाती है उनकी, तो उन्होंने जो है ये बात की है। वो सिंगापुर में ही बॉर्न हुए टू सिंधी स्पीकिंग हिंदू फैमिली,
who were displaced from Sindh province during the partition of India. तो कहीं ना कहीं से ताल्लुक पाकिस्तान से भी जाके जुड़ जाता है, लेकिन बात यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि जी वो हिंदू हैं इस वजह से उन्होंने सपोर्ट किया इंडिया को, या फिर वो क्योंकि पार्टीशन में जो है उससे पहले उनकी फैमिली वहाँ पर थी तो इस वजह से उनका कहीं ना कहीं से उस एरिया से तो इसलिए उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया है, ये हम उस वक्त कह सकते थे या कोई, कि अगर इंडिया की इस वक्त जो हैसियत है वो ना होती, इंडिया का इस वक्त जो स्टेटस है दुनिया में वो अगर ये ना होता, इससे नीचे होता, और इंडिया इस काबिल ना होता कि वो यूएनएससी की सीट के लिए जो है उसको कहा जाता, तो फिर तो हम ये कह सकते थे देखें ये तो इंडिया का कोई है ही नहीं इसमें, तो ऐसे ही इन्होंने मुंह उठा के ये बात कह दी, ये तो क्योंकि ये हिंदू हैं या ये इनका ताल्लुक इनकी फैमिली का वहाँ से है बैकग्राउंड, तो इसलिए इन्होंने ये बात कह दी। हम ये बात इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी स्टेटस वो बन चुका है, और ये बात कही जा रही है कि इंडिया को अगर यूएनएससी की सीट नहीं दी जा रही तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, बात ये है। तो इसलिए उनका ये कहना फिर जोर रखता है। अच्छा सिर्फ यही बात नहीं, उन्होंने कहा है कि इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है, और इसमें ये कि रशिया और यूरोपियन कंट्रीज और कुछ ऐसे कंट्रीज, क्या वो उनको भूल गए या उनको पीछे छोड़ गए? तो मसला ये है कि जब हम रशिया को देखते हैं तो वहाँ पर जो है वो जंग लगी हुई है, तो ऐसा कंट्री जहाँ पर जंग लगी हो उसका वो स्टेटस नहीं रहता। दुनिया का कोई भी कंट्री, वो जितना भी ताकतवर और पावरफुल होगा, वो उसका स्टेटस कम हो जाएगा अगर वो जंग ज़दा है। जंग ज़दा इलाका कहा जाता है ना, रशिया और यूक्रेन के बीच इस वक्त जंग चल रही है, तो इसलिए जो है, और फिर इस वक्त आप बाकी कंट्री उसको जब आप पीछे रख दें तो इंडिया वाकई फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है लेकिन थर्ड बड़ी पावर है, थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड ये कहा जा रहा है, ये कहा गया इसके अंदर, तो फिर ये भी स्टेटस चेंज हो गया। एक तरफ ये यूएनएसए की सीट के लिए कह रहे हैं, साथ ही वो इसको ऐसे भी कह रहे हैं इंडिया को। तो देखिए जो यूनाइटेड नेशंस की सीट्स हैं उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनको पास वीटो पावर होती है, और जो वीटो पावर है वो किसी भी दुनिया के बड़ा कोई भी इशू जब यूनाइटेड नेशंस में यूएनएससी में पहुंचेगा तो उसके पर उनको हक हासिल होता है कि वो वीटो पावर यूज़ करें, और अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो रही है उसको नल एंड वॉइड कर दें, अगर कोई नल एंड वॉइड हो रही है उसके पर किसी किस्म का कोई तनाज़ा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी चल रहा है, तो उस कंट्री को जो कि परमानेंट मेंबर हैं 5, उनको ये राइट हासिल है कि वो अपना वीटो यूज़ करें और अपने मुताबिक जैसे वो समझते हैं वो करें। अच्छा, अब ये एक बहुत बड़ी ताकत है वीटो पावर होना, और दुनिया की जो बड़ी पावरफुल कंट्रीज हैं, सुपर पावर्स हैं, उनके पास है, ये जानते हैं आप, तो उसके अंदर यूके को इस किस लिए कहा गया? सोचने की बात ये है कि बंदा ये पूछे कि भाई आपने यूके क्यों कहा, ठीक है ना, कि बाकी कंट्रीज भी वहां पर हैं, यूएस भी है वहां पर जो है, जितने भी कंट्रीज हैं, चाइना भी, आपने उनको क्यों नहीं कह दिया? तो इसके अंदर ये बात है कि जो यूके है उसने 30 ईयर्स में अपना वीटो का हक इस्तेमाल ही नहीं किया। तो अगर कोई कंट्री वीटो पावर रखता है, परमानेंट मेंबर है, तो उसको कभी ना कभी तो अपना वीटो पावर कहीं ना कहीं यूज़ करना चाहिए ना। कोई वहाँ पे रेजोल्यूशन आती है उसमें आपने यस और नो करना है, तो आपको अपना वीटो पावर यूज़ करना चाहिए क्योंकि यही तो आपके पास ताकत है।